नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। इछावर नगर परिषद के सभा कक्ष में बड़ी संख्या में लाडली बहना 2023 स्वीकृति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सीहोर जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश सुराना ने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना हर वर्ग के लिए चला रहे हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के स्वीकृत पत्र वितरित होना शुरू हो गए हैं, जिसके चलते 10 जून से इस योजना के तहत पात्र महिलाओं के खाते में 1000 रुपए महीने की राशि आनी शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम में नगरपालिका सीएमओ सुरेश शुक्ला, महिला बाल विकास की प्रभारी अधिकारी नाजमा खान, आंगनवाड़ी वार्ड नंबर 15 से कमर सुल्ताना, नगरपालिका के कर्मचारी सहित आंगनवाड़ी की महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुई है। इछावर से केकेआर न्यूज के लिए जलील खान की रिपोर्ट। और ये स्वीकृति पत्र के माध्यम से हो जाएगा कि भाई आज हमारा फॉर्म जो हमने दिया था नगर पंचायत में या ग्राम पंचायत में जहाँ भी दिया था, वो हमको ये स्वीकृत होकर मिल गया। वो स्वीकृत वो उनके पास रखा रहेगा, उसके बाद 10 तारीख से इसमें पैसा डल जाएगा, डल में स्टार्ट हो जाएगा जो आप लोगों ने खाते दिए हैं, है ना। तो ये योजना बहुत अच्छी योजना है महिलाओं के उत्थान के लिए। हमारे मुख्यमंत्री ने स्टार्ट करी है 1000 रुपये, इसको 1000 ही है ना जी, 1000 रुपये महीना से इनको महिलाओं को विकल्प दिया जाएगा। जो स्वीकृति पत्र महिलाओं को मिलेगा उन सब महिलाओं को ये राशि दी जाएगी। तो अब मुख्यमंत्री की बहुत सारी मतलब ये है कि लाडली लक्ष्मी योजना थी, तो उसमें लाडली बालिकाओं को पैसा मिलता था, ये छठी कक्षा में, फिर नवी कक्षा में, फिर विद्यार्थी में, फिर बारहवीं में। तो वो एक बालिका रहती थी और उसके बाद कॉलेज में भी उसको पढ़ाई के लिए कुछ धनराशि 25,000 मिलने लगी, उसको बढ़ा दिया है पूरा। कॉलेज के बाद उन्होंने 2 किस्तों में दे रहा है, तो वो 25,000 12,500 तो अपनी कुछ क्या कहते हैं बालिकाओं को, अपने क्षेत्र की कुछ बालिकाओं को मिल भी गया है। तो ऐसे ही लाडली बहना उन्होंने स्टार्ट करी कि हमारी बेटे जो हैं फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम खबर की जानकारी के लिए आप बने रहें केकेआर न्यूज के साथ। नमस्कार।